So, कैसे मेरी पेटू फैमिली, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मेरी पेटू फैमिली, आज आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं न्यू वीडियो। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए होने वाली है न्यू वीडियो फॉर ये वीडियो होने वाली है WWE टॉप 5 WWE चैंपियन हाउ मेनी टाइम दे विन टाइटल। तो इसी वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आज ये टॉप 5 WWE के मोस्ट टाइटल जीतने वाले सुपरस्टार कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं, चलिए इस लिस्ट में नंबर 5th की। तो मेरी पेटू फैमिली, जो 5th नंबर पर जो रेसलर हमने रखा है इस लिस्ट में, जिसने सबसे ज्यादा बार टाइटल जीता है, वो 5th नंबर पर आता है। उस रेसलर का नाम है हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हल्क होगन। और हल्क होगन ने कितनी बार टाइटल जीता है? हल्क होगन अपने करियर में एज एड चैंपियन वो 11th टाइम, यानी कि 11th टाइम WWE चैंपियन बने हैं। और मेरी पेटू फैमिली, एक बहुत बड़ी बात है, 11th टाइम तक चैंपियन बनना कोई छोटी बात नहीं है। तो पर फिर भी चैंपियन है हमारे होल्क होगन, और वो 11th बार WWE टाइटल जीत चुके हैं। और अभी उनके टाइटल जीतने की संभावना, आप जानते हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं। तो नंबर 5th पर आते हैं होल्क होगन। तो मेरी पेटू फैमिली, अब बात कर लेते हैं नंबर 4th की। किस लिस्ट में नंबर 4th पर कौन सा रेसलर है? तो मेरी पेटू फैमिली, आपको बताएं कि नंबर 4th पर जो रेसलर रखा है हम इस लिस्ट में, मोस्ट टाइटल जीतने की लिस्ट में नंबर 4th पर जो रेसलर आता है, उसका नाम है हमारे कौन? रैंडी ओटन द वाइपर। जी हाँ दोस्तों, मेरी पेटू फैमिली, रैंडी ओटन इस लिस्ट में नंबर 4th पर आते हैं। और नंबर 4th पर वो क्यों आते हैं, उन्होंने कितनी बार टाइटल जीता है, वो आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। और मेरी पेटू फैमिली, बता दें कि रैंडी ओटन ने 14th टाइम WWE चैंपियन हैं। आप अभी भी रैंडी ओटन WWE में काम कर रहे हैं, और जब रैंडी ओटन रिंग में आते होंगे तो बहुत से जो रेसलर की, तो आप सुनते भी होंगे कि कहते हैं कि 14th टाइम चैंपियन रैंडी ओटन। तो इस रैंडी ओटन ने 14 बार टाइटल जीता है, इसलिए वो नंबर 4th पर आते हैं इस लिस्ट में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 3rd के बारे में। तो मेरी पेटू फैमिली, जो 3rd नंबर पर वो रेसलर है जो डब्ल्यू टाइटल जीतने में सबसे ज्यादा बार टाइटल जीता है, उस रेसलर का नाम है हमारे Triple H। जी हाँ दोस्तों, हमारे WWE के CEO के, जिनका WWE में फिलहाल अभी CEO के तौर पर WWE में काम कर रहे हैं। और Triple H ने कितनी बार टाइटल जीता है वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, रैंडी ओटन और हमारे Triple H के बीच में एक टाई है, पर रैंडी ओटन ने टाइटल काफी है कम है, बहुत ज्यादा टाइम जीते थे, तो Triple H ने ये उससे कम टाइम में जीते थे, तो इसलिए हमने Triple H को नंबर 3rd पर रखा है। और Triple H ने भी आपको बता दें कि 14th टाइटल एज ए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के जीते हैं, और इस लिस्ट में हमने Triple H को नंबर 3rd पर रखा है, जो बहुत ही ज्यादा, आप जानते हैं कि जबरदस्त रेसलर हुआ करते थे अपने टाइम में। तो मेरी पेटू फैमिली, काफी जबरदस्त रेसलर थे Triple H, और उन्होंने 14th टाइम अपना जो टाइटल जीता है, 14th बार वो चैंपियन रह चुके हैं WWE में। तो ये हो गई नंबर 3rd की, नंबर 3rd पर Triple H को रखा है। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की, नंबर 2 पर वो कौन सा रेसलर है जो WWE में मोस्ट टाइटल जीता हुआ है और नंबर 2nd पर आता है। मेरी पेटू फैमिली, आपको बता दें कि उस रेसलर का नाम है हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम, जिनका नाम है रिक फ्लेयर। जी हाँ मेरी पेटू फैमिली, रिक फ्लेयर वहां पर हमें नंबर 2nd पर रखा है। और नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में टाई है फिर से, क्योंकि नंबर 2 ने भी उतना टाइटल जीता है जितना हम नंबर 1 लिस्ट में बताएंगे। पर रिक फ्लेयर को नंबर 2 पर रखने का क्या रीजन है वो भी आपको बताएंगे। रिक फ्लेयर को टाइटल पर रखने का रीजन, क्योंकि दोस्तों अभी रिक फ्लेयर WWE से अलविदा ले चुके हैं, और उनके टाइटल जीतने की संभावनाएं बिल्कुल न के बराबर हैं। और जो हमारे जो नंबर 1 पर जो रेसलर हैं वो अभी टाइटल जीत सकते हैं, इसलिए हमने रिक फ्लेयर पर नंबर 2 पर रखा है। और रिक फ्लेयर ने, आपको बता दें कि 16 टाइम में WWE चैंपियन जीता है, यानी कि 16 बार वो WWE चैंपियनशिप उन्होंने जीता है। तो इस लिस्ट में हमने नंबर 2 पर हमने रखा है रिक फ्लेयर को। अब बात कर लेते हैं मेरी पेटू फैमिली नंबर 1 के बारे में, कि इस लिस्ट में नंबर 1 पर हमने कौन सा रेसलर रखा है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर हमने रखा है मेरी पेटू फैमिली, उस रेसलर का नाम है हमारे
जॉन सीना। जी हाँ दोस्तों, जॉन सीना को इस लिस्ट में हमने नंबर वन पर रखा है। और बता दें कि नंबर वन पर जॉन सीना ने कितना टाइटल जीता है। जॉन सीना ने भी 16th टाइम टाइटल जीते हैं, यानी कि 16 बार टाइटल जीते हैं। पर अभी भी जॉन सीना डब्ल्यू में काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि डब्ल्यू शायद ये रिकॉर्ड तुड़वा भी सकती है जब उनका मन करेगा। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि अभी तो कोई चैंपियनशिप रेन में नहीं है जॉन सीना, परंतु इसलिए हमने नंबर वन पर रखा है क्योंकि जॉन सीना ने 16 बार टाइटल जीत चुके हैं और वो कई बार तो इस रेंज में हार भी चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा मैचेस जॉन सीना लड़ चुके हैं WWE चैंपियन, तो इस लिस्ट में हमने नंबर वन पर जॉन सीना को रखा है। तो मेरी पैटू फैमिली, ये थे टॉप 5 नाम जो इस लिस्ट में हमने आपको रखे। तो इस टॉप 5 लिस्ट में आपको कौन सा नाम सरप्राइजिंग लगा और क्या आप चाहते हैं कि जॉन सीना रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़े और 16 से 17 तक चैंपियन बने, कमेंट कीजिए। पाएगा अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच।